आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन के। आंदोलन के 3 महीने पूरे होने पर भोले भाले किसानों को बरगलाने के लिए किसान नेता रोज कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाते रहते हैं, कभी चक्का जाम तो कभी रेल रोको। आज किसान नेताओं ने व्यापारियों के उस बंद का समर्थन कर दिया है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। किसानों को बरगलाने में जुटे हुए हैं तमाम किसान नेता। व्यापारियों के हड़ताल में अब किसान नेता कूद चुके हैं, व्यापारियों के हड़ताल का समर्थन भी कर रहे हैं किसान। देखिए, व्यापारियों के बहाने अपनी सियासत चमकाने में राकेश टिकैत जुटे हुए। देश भर में आज 8 करोड़ व्यापारी हड़ताल पर हैं और इसका असर भी आम जनता को देखने को मिलेगा। 3 महीने किसान आंदोलन पूरे होने पर किस तरीके से अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है वो आप देखिए। तो 3 महीने से लगातार बॉर्डर्स पर आप ड्रामा देखते हुए नजर आ रहे हैं नकली किसानों का, लेकिन आज जब कारोबारियों की तरफ से जीएसटी और पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों को लेकर जब भारत बंद बुलाया गया था उसका समर्थन करते हुए ये किसान मोर्चा नजर आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई बहाना और मौका किसान मोर्चा किसान नेता ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाए रखना है और बरगलाने और भड़काने का काम भी किसान नेताओं की तरफ से जारी। तो राकेश जी, क्या देखिए किसान आंदोलन में जिस तरीके से तीनों कृषि कानून को लेकर के ये आंदोलन था, लेकिन अब महापंचायतों में ये पूरी तरह से अब कन्वर्ट हो चुका है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा का एक और तिकड़म। आज ग्लोबल वेबिनार कर रहा है किसान मोर्चा। सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगा ये पूरा वेबिनार। विदेशियों के साथ किसान नेता रणनीति बनाएंगे। वेबिनार में ग्रेटा थनबर्ग और मीना हैरिस को भी न्योता दिया गया है। तो विदेशियों के साथ किसान नेता एक रणनीति बनाएंगे। देखिए, वेबिनार में ग्रेटा थनबर्ग मीना हैरिस को भी न्योता दिया गया है। तो एक और तिगड़म किसान मोर्चा की तरफ से ग्लोबल वेबिनार का आयोजन किया गया है और इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। किसान नेता मौजूद होंगे, इसके अलावा वो तमाम विदेशी हस्तियां मौजूद होंगी जो कि लगातार भारत विरोधी एजेंडे पर हावी रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान में राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा हमला। एमएसपी की आड़ में चल रहा लूट का कारोबार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कारोबारियों और बड़ी कंपनियों से मिलकर ये पूरी की पूरी लूट चल रही है। एमएसपी पर कानून से ही बंद होगा लूट का कारोबार। भूख पर व्यापार अब बर्दाश्त नहीं करेंगे किसान। ये सब बातें राकेश टिकैत ने कही, आप भी सुनिए। तो बहुत किसानों को यह भी नहीं पता कि देश में एमएसपी क्या होती है, फसल का सरकार ने रेट क्या निर्धारित कर रखा है। तो ये तो लूट लिया पूरा देश, व्यापारी ने बड़ी कंपनियों ने लूट लिया पूरा देश। ये अब लुटाई नहीं होगी, जो कानून है वे वापसी होंगे और एमएसपी पे कानून बनेगा, उसके कम पे देश में खरीद नहीं होगी। भूख पे व्यापार नहीं अब होगा। तिजोरी में जो अनाज बंद करने की जो परंपरा है ये नहीं होगा, वे अनाज के गोदाम तोड़े जाएंगे, ये होगा। और सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस वक्त टिकरी बॉर्डर से मेरे दो सहयोगी श्वेता और सुमित जुड़ चुके हैं। श्वेता, सुमित, देखिए राकेश टिकैत एमएसपी और कृषि कानून की बात अब कम ही करते हुए नजर आते हैं, ज्यादातर वो सरकार पर हमला बोलते हुए अब नजर आ रहे हैं। दीपिका, राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं ये पूरा देश अब देख रहा है, लेकिन फिलहाल हम टिकरी बॉर्डर के पास ही, टिकरी कला गांव है ये, वहां पर मौजूद है। हमने और सुमित ने तस्वीर दिखाई थी टिकरी बॉर्डर की, किस तरीके से वहां पर संख्या बल जरूर कम हुआ है लेकिन जाम कर रखा है। तो यहाँ सुमित, क्या समस्या आ रही है लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल बिल्कुल देखिए बेहद बेहाल हो चुका है। जो आसपास का जो टिकरी गांव का जो इलाका है वो एक तरह से कंगाल हो चुका है, ये बिल्कुल परेशानियों का सबब हो चुका है। और इस वक्त हम टिकरी कला गांव में मौजूद हैं और यहाँ तमाम जो है गांव वाले हैं जो पिछले 90 दिन से परेशान हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ताऊ, ये बताइए क्या कुछ परेशानी आ रही है? परेशानी है, या 1-2 किलोमीटर नहीं जा सकते, बाजार लग रहा है, या वहाँ भाद्रगोड़ी शहर पड़ता है, वहाँ कुछ लेने के लिए या हॉस्पिटल में कुछ नहीं जाया जाता। अब 10 किलोमीटर घूम के जाओ पैदल कोई जाता है तो, और ये पता ना कौन बैठे, किसान तो बैठे नहीं है, ये किसान तो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ये राकेश टिकैत कह रहे हैं कि लगातार आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत, ये टिकैत क्या कर रहा है? ये तो और पार्टियां हैं मेरे ख्याल में, ये क्या राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा, वैसे ही धांधला कर रहा है। कौन है राकेश टिकैत? कौन है सुमित, जरा ये भी पूछ ले, राकेश टिकैत अचानक से नेता कैसे बन गए? राकेश टिकैत है जो, वो लोगों से इधर उधर से फंडिंग भी चल रही है इनकी, और अब तो भागने लग रहे हैं कुछ आदमी किसान, जो नेता जाटों को बदनाम कर रहे हैं। इनके पास कुछ है भी नहीं, अब तो खाने वाने का भी नहीं है, लेकिन सरकार तो देख रही है ना भाई, इनको दिल्ली सरकार है वो इनको सुविधा दे रही है, यहाँ पे एमएलए वो सुविधा दे रहा है। बड़ी खबर आ रही है वो भी जल्दी से बता देते हैं। आज फिर राजस्थान में महापंचायत करने वाले हैं राकेश टिकैत, राजस्थान के गंगानगर में।
दो महापंचायत करेंगे वो, पदमपुर मंडी और घरसानी मंडी। इन दोनों जगहों पर राकेश टिकैत की महापंचायत होने वाली है। कल राजस्थान के करौली में राकेश टिकैत ने महापंचायत की थी। हरियाणा राजस्थान में कई महापंचायत कर चुके हैं राकेश टिकैत, और इस महापंचायत के जरिए वो किसानों को बरगलाने की, उकसाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से दूरी बना चुके हैं वो, अब वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में घूम घूम करके किसानों के बीच जाकर बता रहे हैं कि कब 40 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करना है, कैसे अपने औजारों को हथियार बनाकर दिल्ली की तरफ आना है, कैसे किलो को हटाना है, और कैसे सरकार के साथ हर मोर्चे पर हमें लड़ाई करनी है। ये सारी चीजें पंचायतों पर देखिए राकेश टिकैत टिके हुए नजर आ रहे हैं, और इनका यही कहना है कि अब लोगों को जुटाया जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए सच्चे किसान खुलकर सामने आ चुके हैं कि अब हम जमीनी